तो फिलहाल यहाँ पे पॉपिंग सैंड रील्स बना रहा है, तो कश्मीर का रबर बॉय। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। उम्मीद आप सब ठीक होंगे और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो करते हैं व्लॉग स्टार्ट एक अच्छी सोच के साथ। तो फिलहाल बर्फ़ देखो कितनी पड़ी है। जब मैं सुबह उठा रात, मतलब पूरे ज़मीन पर जैसे सफ़ेद चादर बिछ गई थी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ शॉप पे, ये देख लो कितनी बर्फ़ हुई। उतनी भी नहीं हुई फिर भी ठीक ठाक है, और पड़ रही है थोड़ी थोड़ी तो ठीक। सुबह सुबह आज अलग ही वाइब आ रही है चलने में, साइड से बर्फ़ और सड़क तो खाली है, फिर भी जूते गीले हो गए। तो चलते हैं शॉप की ओर। कश्मीर की जो खूबसूरती है ना, और भी बढ़ती है बर्फ़ पड़ने से। सुबह सुबह व्यू देख लो झेलम का, और ये चिनारे हैं साइड्स को, जो कि ऑटम सीज़न में बहुत ही प्यारी लगती है। रुको देख लो, ये रही इसकी पिक ऑटम की। एंड पहुंच गए हम शॉप पे। सब बिखरा पड़ा है, तो पहले सफाई करते हैं फिर मिलते हैं। तो पहले मुझे जाना है पॉपिंग सैम के साथ, उसके उसको थोड़े से रील्स बनाने हैं यहीं पे, मतलब पास में ही है। तो आते हैं पहले उधर से, इसको रील एक दो बना के देते हैं। ठीक है चलते हैं। तो मैं रील शूट कर रहा था रबर वर्क कश्मीर पॉपिंग सैम को, तो जाके उसके इंस्टाग्राम पे जल्दी से देख लो और बहुत सारा प्यार दो। और फिर से बर्फ़ स्टार्ट हल्की हल्की। तो भाई लोग ये देख लो, खतरनाक वाली बर्फ़ पड़ रही है अभी। ओहो, आज बहुत टाइम के बाद कश्मीर में बर्फ़ हुई खतरनाक वाली। पड़ती थी, एक दो बार पड़ी लेकिन कम। आज देखो खतरनाक वाली बर्फ़ पड़ रही है दिन में अभी, वरना रात को होती थी थोड़ी बहुत। ये देख लो, ओहो तो फिर से बर्फ स्टार्ट। 5 बजे भी पूरे दिन पर पड़ रही थी। और ये देख लो पुल का व्यू, वो आज गुलमर्ग जाना था उसमें यार। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। मिलते हैं अब किसी अगले व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।